सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो, जिसमें कि आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12th की बॉटनी से, बायोलॉजी से, सेल साइकिल, सेल डिवीजन चैप्टर, जिसमें कि आज हम लोग इसको ट्राई करेंगे कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म कर सकें। अगर पूरा हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं हो पाएगा तो इसको हम टू पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे या फिर थ्री पार्ट्स में इसको हम ब्रेक करके फिनिश कर देंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बेस्ट नोट्स आपके सामने प्रोवाइडेड हैं, सबसे मैंने बेस्ट नोट्स यहाँ पे लिए हैं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें एंड फ्यू पॉइंट्स मीन्स कम शब्दों में ज़्यादा बातें समझना एंड बुलेट पॉइंट्स जो कि आपको अपने माइंड में याद ही रखने हैं। और ये सारी बातें जितनी भी यहाँ पर दी गई हैं ये सारी क्रिस्प फ्रॉम द NCERT है, NCERT से बाहर नहीं है। NCERT से बाहर वाली अगर आप लोगों को वीडियोस देखने जिसमें कि बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन हो तो वो भी मेरे ही चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग जाके उसको एक बार ही चेकआउट कर लीजिएगा। बट यहाँ पे टू द पॉइंट NCERT की बातें मैं भी करने वाला हूँ और ये बुक भी उतनी ही बातें करेगी। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले सेल साइकिल। सेल साइकिल से आप लोग क्या समझते हैं? तो साइकिल चलना, साइकिल कैसे चलती है किसी भी चीज़ की, कोई ना कोई चीज़ बार बार फॉलो होती जाती है। एक साइकिल हमने क्या पढ़ी है, वाटर साइकिल हम लोगों ने पढ़ी कि किस तरीके से इवेपोरेशन देन कंडेंसेशन एंड ये वाले प्रोसेसेस होते हैं, तो इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। इसी तरीके से सेल की साइकिल, जहाँ पे सीक्वेंस हो किसका, सेल के इवेंट्स का, जहाँ पे सेल डुप्लीकेट करे क्या अपना जीनोम, जीनोम मीन्स जेनेटिक मटीरियल, एंड सिंथेसाइज सम अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल, और सेल के अंदर की जो और चीज़ें होती हैं वो मीन्स जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं और चीज़ें जो भी होती हैं सेल के अंदर, वो सारी चीज़ें वो सिंथेसाइज करें, मीन्स डबल करें, उसको भी डुप्लीकेट करें सिंथेसाइज करके, और डिवाइड कर जाए दो डॉटर सेल्स में, मीन्स एक सेल क्या बना ले, अपने आप को दो में बांट ले और दोनों में वो सेम चीज़ें ही बना दे अपने जैसी। कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस बट DNA सिंथेसिस अकर्स ओनली इन वन स्पेसिफिक स्टेज। ये प्रोसेस जो भी है उसमें जब DNA हम सिंथेसाइज करेंगे, मीन्स हम DNA को हम डबल बनाएंगे, तो वो सिर्फ एक ही जगह पे हो सकता है। सिंथेसाइज मीन्स बनना, तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज पे ही होता है। वो कौन सी स्टेज है वो भी अब जब आगे आएगी तब हम पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए सेल साइकिल की जो हमें डेफिनेशन में जो हमें की पॉइंट्स पता होने चाहिए वो सारे यहाँ पे मेंशनड हो चुके हैं। देन फेजेस फॉर सेल साइकिल, दो फेजेस होते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी बुक में NCERT की बुक में दो मेन चीज़ें दी हुई हैं कि ह्यूमन सेल जो है वो डिवाइड कर जाता है कितने टाइम में, 24 आवर्स, मीन्स एक ह्यूमन सेल को दो बनने में, एक सेल को दो बनने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे। वहीं एक यीस्ट को, यीस्ट के सेल को डिवाइड करने के लिए कितना टाइम चाहिए, सिर्फ 90 मिनट्स, मींस 90 मिनट में वो अपने जैसे दो, मींस वो दो में डिवाइड करके डॉटर सेल्स बना देता है, इट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स इन 90 मिनट्स ओनली। तो ये फैक्ट्स आप लोगों को याद रखने हैं, याद होने चाहिए, किस भी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने बताया था कि सेल साइकिल में दो फेज होते हैं, यहाँ पर देखिएगा, एक होता है हमारा इंटरफेज, जिसमें कि ये बीच में आता है बिटवीन द टू एम फेज, मीन्स एक एम फेज होगा, देन ये इंटरफेस का पूरा साइकिल चलेगा। ये ब्लू वाला जो दिखाया गया है ये क्या है, इंटरफेस, ये इंटरफेस की साइकिल चलेगी, फिर अगला एम फेज आ जाएगा, इसलिए बोला गया है दो सक्सेसिव, मीन्स एक के बाद एक आने वाले एम फेज के बीच की जो फेज होता है उसको ही हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। 95% सेल साइकिल यहीं पर ही होती है, ये रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, और ये प्रिपेयर करता है फॉर द डिवीजन, मीन्स तैयारी हो रही होती है डिवाइड करने की। एक्चुअल डिवीजन एम फेज में होता है, लेकिन जो उसके लिए पूरी प्रिपरेशन चाहिए होती है, जैसे हम किसी एडवेंचर पे जा रहे हैं तो उससे पहले कि हमें जो सामान डालना है, बैग हमें तैयार करना पड़ेगा, हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग पहले से ही कर देते हैं, तो वो सब इसी में भी इंटरफेज में ही होने वाला है। सेल इस फेज में ग्रो करेगा और DNA रेप्लिकेशन भी इंटरफेज में ही हो जाएगा। अब इंटरफेज भी जो है वो भी तीन और फेजेस में डिवाइड होता है। इंटरफेज में तीन फेज आते हैं, G1 फेज जिसे कि आप 1 बोलते हैं, G2 फेज जिसे कि आप 2 बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में एक और फेज आता है जिसे कि S फेज, सिंथेसिस फेज बोलते हैं, और इस S फेज में ही DNA का रेप्लिकेशन हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा G1, S एंड G2, ये इंटरफेज पूरा G2 पे आके ख़त्म हो जाता है, इसके बाद जो कि है सेल M फेज में आके यहाँ पे फाइनली डिवाइड कर जाता है 2 में और निकल जाता है, फिर यहाँ से यहाँ के बाद फिर अगली साइकिल शुरू हो जाती है। अभी यहाँ पे एक G0 भी लिखा हुआ है, उसे भी देखते हैं, अभी वो हमारा आगे आने वाला है। लेकिन तब तक के लिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं G1 फेज की। पोस्ट माइटोटिक फेज, मीन्स माइटोटिक डिवीजन होने से पहले का जो फेज है, M फेज से पहले का जो फेज है, वो इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड DNA रेप्लिकेशन, ये वही इंटरवल है जिसमें कि हम यहाँ पे माइटोसिस कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग DNA का रेप्लिकेशन कर रहे हैं, और इन दोनों फेज के बीच में जो फेज आ रहा है वही फेज है G1 फेज। इस वजह से बोला गया इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड DNA रेप्लिकेशन S फेज में होती है, इसलिए DNA रेप्लिकेशन। मेटाबॉलिकली तो ये एक्टिव होता है, बट यहाँ पे कोई भी DNA रेप्लिकेशन नहीं होता है, और मैंने बता दिया है कि DNA रेप्लिकेशन कहाँ पे होगा, इसके अगले वाली मीन्स S फेज में सिंथेसिस होगा।
डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला है, डीएनए पर सेल डबल्स बट नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। मीन्स डीएनए तो डबल हो जाएगा लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग भी लाइन होती है। मैंने अपनी डिटेल वीडियो में इसको बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ, वैसे शॉर्ट में ये वाली बात बताई नहीं जा सकती, डिटेल की ही बात है। अभी मैं एनसीईआरटी पर स्ट्रिक्ट हूँ, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊँगा, लेकिन कुछ इस तरीके से अगर मैं मानूँ तो इसको भी हम एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे और इसको भी हम एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे। तो इस तरीके से जो कि है वो रेप्लिकेशन हो जाता है। तो डीएनए तो डबल हो जाता है, यहाँ भी आ जाएगा और एक यहाँ भी आ जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम का जो नंबर है वो वही रहेगा, मीन्स वन है, तो ये डबल होने के बाद भी वन ही रहेगा। देन सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और डीएनए रेप्लिकेशन इन न्यूक्लियस इन एनिमल्स। डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर एनिमल्स में। तो देखिए यहाँ पे सेंट्रियोल बोला जा रहा है, सिर्फ सेंट्रियोल को क्यों मेंशन कर रहा है, क्योंकि सेंट्रियोल का कोई ना कोई रोल आगे हमें पता चलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से सेंट्रियोल को भी यहाँ पे हाईलाइट करके बताया गया है। देन प्री माइटोटिक फेज किसको बोलते हैं, G2 फेज को, जो कि प्री मीन्स एम फेज से माइटोटिक फेज से जस्ट पहले आ रहा है। इसमें क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, सेल ग्रोथ और ज़्यादा होती जाएगी, मीन्स ग्रोथ तो हो रही थी अभी V1 में भी हो रही थी, एस फेज में भी हो रही थी, अब और ज़्यादा होती जाएगी। अब क्या होता है, इसमें एक स्पेशल केस आ जाता है कि कुछ सेल्स जो की होते हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं, दे डोंट डिवाइड, और डिवाइड ओकेजनली मींस या तो वो अभी रुक गए हैं, वो कभी डिवाइड ही नहीं कर सकते, या फिर वो किसी स्पेशल टाइम आने पर ही डिवाइड करेंगे, ऐसे वो डिवाइड नहीं करेंगे। ऐसे भी कुछ सेल्स होते हैं जो कि सिर्फ किसी स्पेसिफिक टाइम पर या फिर किसी चीज़ को उनको ट्रिगर पॉइंट मिलेगा उसी पर ही वो डिवाइड करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। और कुछ सेल्स तो ऐसे होते हैं जो कभी भी पूरे अपने लाइफ टाइम में कभी डिवाइड ही नहीं करते। तो वो सेल्स क्या करते हैं, वो जीवन फेस को एग्जिट कर जाते हैं यहीं पर ही, और वो चले जाते हैं इनएक्टिव स्टेज के अंदर। मींस अब उनको तो डिवीजन करना नहीं है, तो उनका तो ये वाला पूरा प्रोसीजर काम का ही नहीं है, तो वो G1 फेज से ही एस्केप कर लेते हैं और इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, जिस स्टेज को क्विसेंट स्टेज भी बोला जाता है, या फिर G0 फेज भी इसको बोला जाता है, जहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहता है, मींस वो सारी चीज़ें करेगा सेल होते हुए, लेकिन प्रोलिफिकेट मींस वो रेप्लिकेट नहीं करेगा, जैसे कि हार्ट के सेल्स होते हैं। हार्ट के सेल्स कभी बढ़ते थोड़े ना, जितने होते हैं हमेशा उतने ही रहते हैं। इन एनिमल्स माइटोटिक डिवीजन अकर्स ओनली इन डिप्लॉयड सेल्स। डिप्लॉयड सेल्स, जो डिप्लॉयड सेल्स हैं उन्हीं के अंदर ही माइटोटिक डिवीजन होगी, लेकिन प्लांट्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन दोनों में होगी, हैप्लॉयड सेल्स में भी होगी और डिप्लॉयड सेल्स के अंदर भी होगी, मीन्स दोनों चीज़ों में होगी। अब हम लोग आ जाते हैं एम फेज के अंदर। अब एम फेज भी छोटा फेज नहीं है, इसमें भी आप देख सकते हैं ये खुद और 5 फेजेस में डिवाइड है, जिनके नाम आप लोग रीड करिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस एक अलग फिनोमेना है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म डबल होगा और बाकी चारों में क्या होगा, बाकी चारों में जेनेटिक मटेरियल का डबल होगा। तो चलिए एम फेज को स्टार्ट करते हैं। यही है एक्चुअल सेल डिवीजन, जहाँ पे स्टार्ट होगा न्यूक्लियर डिवीजन, मींस न्यूक्लियस का डिवीजन, सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट कर जाएंगे और फिर डिवीजन हो जाएगा किसका, साइटोप्लाज्म का। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन किस में होगा, साइटोकाइनेसिस में, और न्यूक्लियस का डिवीजन किस में होगा, इन चार फेजों में। आई होप ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। एम फेज, सोमेटिक सेल्स, डिप्लॉयड सेल्स ओनली एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इनमें ही एम फेज जो कि है होता है। एम फेज रिफर्स टू माइटोटिक फेज। क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड प्रोजेनी आर सेम। क्रोमोसोम नंबर जितना पेरेंट में होगा उतना ही प्रोजनी में भी होगा, और क्योंकि सेम होगा इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है, क्योंकि जितना पेरेंट के पास है उतना ही डॉटर में भी जा रहा है। कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स। अब देखिए इसमें जो हमने साइटोकाइनेसिस देखा, जिसमें कि साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और बाकी चारों फेजों को मिला के, मीन्स जो चार यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, इन चारों को मिला के कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है। कैरियोकाइनेसिस में चार फेज आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। बहुत ही ईजी फेजेस हैं, इसमें बहुत कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। डिटेल में अगर आपने समझा हुआ है तो आपको इतनी इसको समझ जाएंगे, और नहीं भी समझा हुआ है तो मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग इसको यहीं पर ही पूरा समझ पाएँ। सी, प्रोफेज क्या होता है, जहाँ पे इनिशिएशन होता है किसका, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। अब क्रोमोसोमल मटेरियल जो कि है वो बहुत ही अजीब से धागे टाइप में इस तरीके से बिखरा हुआ सा होता है। अभी क्या करता है, ये कंडेंसेशन करता है, मीन्स इसको और चिपकाता है आपस में, और इसको चिपका चिपका के ये इस तरीके की शेप दे देता है, इस तरीके की शेप इसको मिल जाती है। देन क्रोमोसोमल मटेरियल अनटैंगल्स, वही बात हो गई, वो एकदम सही से शेप में आ जाता है। सेंट्रोसोम जो कि हमने ड्यूप्लीकेट करा था इस फेज में, वो मूव कर जाता है अपोजिट पोल और रेडिएट कर जाता है क्या, माइक्रोट्यूबुल्स, जिसको कि एस्टर्स बोलते हैं। क्या होगा, देखें यहाँ पे जो सेंट्रियोसोम हमने डिवाइड करा था इस फेज में पीछे, वो यहाँ पे कॉर्नर्स पे आ जाता है, पोल्स पे।
और अपने अंदर से कुछ रेडिएट करता है माइक्रोट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम लोग एस्टर्स कहते हैं। ये कलर यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो मैं दूसरा कलर यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। विच वन, आई थिंक दिस वन वुड बी विजिबल मोर। सी, ये सेंट्रोसोम यहाँ पे आया और इसने यहाँ पे एस्टर्स अपने अंदर से निकालने शुरू कर दिए। देन माइटोटिक अपैरेटिस किसको बोलते हैं, जिसमें कि दो एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स आ जाए। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, जो कि कनेक्ट क्रोमोसोम्स को। देन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं एंड ऑफ प्रोफेज। मीन्स जैसे ही प्रोफेज खत्म होगा ये सब भी गायब हो जाएंगे। देन आ जाते हैं हम लोग मेटाफेज पे। मेटाफेज में क्या होगा, ये बेस्ट स्टेज है जहाँ पे हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स को समझ सकें। तो बेस्ट, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, दैट विच वन इज द बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। तो आप लोग आंसर लिखेंगे मेटाफेज इज द बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स हेल्ड बाय सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर था, इसने दो सिस्टर क्रोमेटिड को होल्ड कर लिया, दो, एक ने इन दोनों को और एक ने इन दोनों को। इस तरीके से ये लोग जो कि है होल्ड कर लेंगे। डिस्क शेप्ड काइनेटोकोर अपीयर, मींस ये होल्ड तो चारों को ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले दो को करेंगे, देन ये चारों को ही इस तरीके से जो ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर है ये होल्ड कर लेगा। डिस्क शेप्ड काइनेटोकोर अपीयर एट द सर्फेस ऑफ सेंट्रोमियर। ओके, सो ये वाली लाइन यहाँ पे बाद में आई है। सो एक्चुअली होता क्या है, जो काइनेटो जो सेंट्रोमियर होता है वो ये मिड वाला स्ट्रक्चर होता है। आई होप आप सबको ये वाली बात पता होगी कि जो मिड का जो स्ट्रक्चर होता है, जो कि दो सिस्टर क्रोमेटिड को पकड़ा हुआ होता है, उसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। तो यहाँ पे जो कि है काइनेटोकोर आ जाते हैं सरफेस पे, किसके, सेंट्रोमियर के, जहाँ पे कि स्पिंडल फाइबर जो कि है अटैच होगा, आके यहाँ से अटैच हो जाते हैं। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है देन यहाँ पे फाइनली हो जाता है। आई थॉट दैट दिस स्टेटमेंट इज इंटरप्रेटेड दिस ओनली, बट यहाँ पे अलग से दी हुई है। सो साइट फॉर द स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट, देन क्रोमोसोम्स मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर। देन क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को बीच में से देन जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक इक्वेटर पे, मीन्स जो बीच का जो पार्ट है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल इक्वेटर। यहाँ पे आके ये लोग एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं विद वन क्रोमेटिड कनेक्टेड फ्रॉम वन पोल बाय द स्पिंडल फाइबर। अब आप लोग देख सकते हैं हर एक क्रोमेटिड बोलेंगे इसे, ये भी एक क्रोमेटिड है, ये भी एक क्रोमेटिड है और ये भी एक क्रोमेटिड है। ये हर एक एक क्रोमेटिड हर एक पोल के एक ही से ही कनेक्टेड है। इसी तरीके के इनके जो दूसरी साइड वाला है, ये वाला, ये भी एक तरफ का, एक इससे कनेक्टेड है, इसके ऊपर वाला इससे कनेक्टेड है, इसके ऊपर वाला इससे कनेक्टेड है और ये वाला यहाँ से कनेक्टेड है। मीन्स ऊपर वाले से कनेक्टेड है और नीचे वाले से कनेक्टेड है। मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बुकिश लैंग्वेज में ना ले जाकर आपको जितना समझ में आ पाए उतना मैं आपको नॉर्मल वे में, नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकूँ। कनेक्टेड फ्रॉम वन पोल बाय द स्पिंडल फाइबर एंड अदर क्रोमेटिड टू द अदर पोल, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट क्रोमोसोम इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। अब जो प्लेट बन गई है यहाँ पे बीच में, एक जो प्लेट तरीके की बन गई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट क्यों, क्योंकि मेटाफेज में बन रही है इसलिए मेटाफेज प्लेट बोलेंगे। अब देखिए ये सिर्फ यहाँ पे अलाइन हुए हैं, अभी ये अलग नहीं हुए हैं। स्प्लिट ये कहाँ पे होंगे, एनाफेज में आके, एनाफेज में आके क्रोमोसोम स्प्लिट कर जाते हैं, मीन्स ये बीच में से टूट जाते हैं। ये टूट जाएगा, ऊपर वाला ऊपर चला गया, नीचे वाला नीचे चला गया, ऐसे ही हर जगह होगा और ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देंगे। क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, एक ऊपर चला गया एक नीचे आ गया। क्रोमेटिड मूव टू द अपोजिट पोल, क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्विटोरियल प्लेट, इक्विटोरियल प्लेट से ऊपर चले जाते हैं, सेंट्रोमियर रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल। सेंट्रोमियर का मूव कहाँ पे होगा, पोल की तरफ ही होगा। डिफरेंट शेप ऑफ क्रोमोसोम सीन इन एनाफेज। अब हमने, आपको याद हो कि हमने इसके पिछले वाला जो चैप्टर था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हमने क्रोमोसोम की डिफरेंट शेप स्टडी करी थी। तो वही शेप्स जो कि हैं हमें एनाफेज में देखने को मिलती हैं। आई होप आप लोगों को वो शेप्स याद होगी। मैं यहाँ पे वो टॉपिक पूरा नहीं खोलना चाह रहा हूँ, बट अगर आपने वो चीज़ पढ़ी हुई है, देन वेल एंड गुड, नहीं पढ़ी हुई है तो आपको वो भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो चैप्टर का पार्ट है। मैंने अपनी वीडियोज़ में वो पढ़ाया है, आप चाहे तो मेरी वीडियो से जाके भी पढ़ सकते हैं। देन आ जाते हैं हम लोग टीलोफेज पे। टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो कि है वो क्लस्टर कर जाते हैं अपोजिट स्पिंडल पोर्स पे। मीन्स अब यहाँ पे जो आ गए थे सारे के सारे, ये धागे आपस में फिर से इसी तरीके से उलझ जाते हैं जैसे कि शुरू में थे, और ये ऐसे कुछ हमें दिखाई देते हैं जुड़े हुए से। अब उनकी अलग अलग आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप कर जाता है, दोबारा से न्यूक्लियोलस आ जाता है, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स वापस आ जाता है और ईआरपी दोबारा से आ जाता है। मीन्स जो जो भी चीज़ें प्रोफेज में गई थी वो दोबारा से यहाँ पे आ जाती हैं।
तभी कुछ ऐसे अलग अलग जगह पे ये दो चीज़ें बन गई, लेकिन ये अभी भी साथ में चिपकी हुई है। अब हमें इसे क्या करना है, हमें इन दोनों को अलग करना है। तो वो काम कहाँ पे होगा, साइटोकाइनेसिस में। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पे डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म का। एनिमल सेल में किस तरीके से होता है साइटोकाइनेसिस, अब देखिए मैं डिटेल में पढ़ा था तो इसका अभी मैं पूरा डायग्राम शो करता, मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी से ले रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पे डायरेक्टली लाइन लिखी हुई है। एनिमल सेल में क्या होता है, फरो फॉर्मेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, विच डीपन्स एंड जॉइंस द सेंटर डिवाइडिंग साइटोप्लाज्म इनटू टू। मींस एक फरो बनेगी यहाँ पे, इसको चिपकाती चिपकाती यहाँ तक ये लेके आएगी बिल्कुल सेंटर तक, और फिर बीच में से ये तोड़ देंगे। अब प्लांट वॉल में क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है सेंटर से। मींस अब की बारी क्या होगा, मैं इरेज करके आपको दिखाता हूँ दोबारा से। एनिमल सेल में क्या होगा, बीच में से टूटना शुरू होगा, मींस बीच में से यहाँ से भी टूटेगा और यहाँ से भी टूटेगा, और ये टूट टूट के टूट टूट के कॉर्नर पे चले जाएंगे और पूरे के पूरे टूट जाएंगे। ग्रो आउटवर्ड टू मीट द लेटरल वॉल्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल मिडल लैमेले। मिडल लैमेले फॉर्मेशन होता है, हम सबको पता है प्लांट वॉल में। तो सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस इजंट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मींस कई जगह पे सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस मींस ये दोनों चीज़ें अलग नहीं होती है। तो ऐसी जगह में क्या हो जाता है, आपको सोचिए कि ये सेल्स अलग नहीं हो रहे, इनके अंदर ही बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल बनता ही चला जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पैदा हो जाएगी, मींस एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लिएट्स फॉर्म हो जाएंगे अलग 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 अलग, लीडिंग टू सिनसियम। तो ये वाली कंडीशन आप लोगों को याद रखनी, इस कंडीशन का नाम, और ऐसा हमें देखने को मिलता है इन द लिक्विड एंडोस्पर्म इन द कोकोनट। कोकोनट का जो लिक्विड पार्ट होता है एंडोस्पर्म वाला, उसमें ऐसा ही हमें देखने को भी मिलता है। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई हो कि हम आ जाते हैं सिग्निफिकेंस में माइटोसिस के। तो ग्रोथ होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, और सेल रिपेयर होता है, मींस किस किस जगह पे हेल्पफुल होता है। तो एक तो ये हेल्प करता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में, और सेल्स बना के और सेल को रिपेयर भी ये कर सकता है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो होना चाहिए जो कि मेंटेन होना चाहिए। लेकिन अगर एक सेल अगर वो डिवाइड ही नहीं करेगा तो ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए सेल को जो कि है डिवाइड करना पड़ता है और रिस्टोर करना पड़ता है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो इस वजह से भी हमें माइटोसिस करना ज़रूरी है। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मियोसिस, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही कम रह गया है मियोसिस, तो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लेकिन हम लोग इसको भी ख़त्म कर देंगे। बहुत ज़्यादा अब आप लोगों को दिक्कत होने नहीं वाली है अगर आप लोगों ने माइटोसिस ढंग से पढ़ लिया है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।